हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सेलेक्शन मेंटर में, और मैं वीरत दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारी GS बूस्टर क्लास में। ये GS बूस्टर क्लास का सेकंड चैप्टर है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि रोज़ शाम को 7 बजे हम जनरल स्टडी की रेगुलर बेसिस पे क्लास लेके आ रहे हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, और उन्हीं क्लास को शॉर्ट नोट्स के थ्रू यहाँ पर हम आपको उसके की पॉइंट्स लेकर के यहाँ पर आपको देते हैं। इन्हीं को हम GS बूस्टर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो कि आज ज्योग्राफी टॉपिक से हैं। इसका टॉपिक जो है वो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी टॉपिक से जो चैप्टर है जिसका हम यहाँ पर की पॉइंट्स बनाया हुआ है मैंने, वो है इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ यूनिवर्स। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के कुछ प्रमुख सिद्धांत। तो इसमें कुछ 5 सिद्धांत हैं जिनको हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको 1 पॉइंट टू पॉइंट इस चीज़ों को याद रखना है। पहला सिद्धांत है जियोसेंट्रिक थ्योरी, हिंदी में इसको कहेंगे भू केंद्रिक सिद्धांत। ये सिद्धांत टॉलमी के द्वारा 2nd सेंचुरी AD में लगभग 140वीं ईस्वी में दिया गया था, और इस सिद्धांत के अनुसार टॉलमी ने बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड का जो केंद्र है, द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स इज अर्थ। इट मींस एंटायर वर्ल्ड, एंटायर यूनिवर्स इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। दिस थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई टॉलमी इन अबाउट 140 AD। तो दिस वॉज द फर्स्ट थ्योरी रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज जियोसेंट्रिक थ्योरी। मूविंग टू द नेक्स्ट, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, सूर्य केंद्रित सिद्धांत जिसको बोलते हैं। इट वॉज प्रोपाउंडेड बाई निकोलस कोपरनिकस एंड डिराइव्ड इन हिज बुक ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ हेवनली स्फीयर्स, एंड दिस बुक वॉज पब्लिश्ड एंड दिस बुक वॉज प्रिंटेड इन 1543, इन विच ही सेज दैट अर्थ इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, इन फैक्ट सन इज at the center and earth is revolving around the sun. So, he also explains, इन्होंने ये भी बताया, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि निकोलस कोपरनिकस यहाँ पर इसकी उल्टी थ्योरी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अर्थ जो है वो सेंटर में नहीं है, बल्कि सेंटर में सूर्य है और अर्थ जो है उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। Not only Earth is revolving around the sun, although all the other planets, some other celestial objects are also revolving around the sun, says Nicolaus Copernicus in his book. तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि Nicolaus Copernicus ने यह भी बताया कि केवल अर्थ ही के ही चक्कर नहीं लगा रही है सूर्य के, बाकी अन्य चीजें भी हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहलाती है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और हेलियो का मतलब होता है सन, यूनानी भाषा में, या हम ग्रीक लैंग्वेज में कह सकते हैं इसको। द नेक्स्ट थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव या प्रसार। तो ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत है ये। इट वॉज प्रोपाउंडेड, और कह सकते हैं कि ये 1925 से लेकर के 1927 के बीच में प्रस्तुत किया गया है। वास्तविक रूप में 1925 में जॉर्ज हब्बल ने एक टेलीस्कोप के माध्यम से इसने यूनिवर्स को देखा, और वहाँ की जो गैलेक्सीज हैं, ही ऑब्जर्व दैट गैलेक्सीज आर गोइंग फार फ्रॉम ईच अदर, एंड एज दे आर गोइंग फार फ्रॉम ईच अदर देयर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग ऑल्सो। तो ये चीज़ उन्होंने देखी, और इसका अंदाज़ा उन्होंने गैलेक्सीज के रेड शिफ्टिंग से किया है। जो लाल रंग का जो प्रसार है उसका आकलन करते हुए उन्होंने किया, दैट इज़ कॉल्ड रेड शिफ्टिंग थ्योरी ऑल्सो, एंड गैलेक्सीज आर गोइंग फार फ्रॉम ईच अदर। और ये बताता है कि यदि अगर गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इट मीन्स दो गैलेक्सीज पास में हैं, अगर वो दूर चली गई तो ब्रह्मांड बड़ा हो जाएगा, और दूर जाएंगी तो और बड़ा होगा। इस प्रकार से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाई जॉर्ज हब्बल। ठीक है, तो ये है हमारा थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। बहुत ज़्यादा इसको कह सकते हैं सम्मान नहीं मिला, जब खोजा गया तो सम्मान ज़रूर मिला, लेकिन बाद में इस थ्योरी की बहुत सारे काट निकाले गए, वीक पॉइंट्स निकाले गए। Next, we will move in the most important and famous theory related to the universe, that is Big Bang theory, महाविस्फोट theory, और कह सकते हैं कि widely लोग expect यही करते हैं कि our universe has been created by this theory, according to this theory, which was propounded by George Lemaitre. ठीक है, ये एक कह सकते हैं कि जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा 1920 से 1927 के बीच में एक थ्योरी यहाँ पर दी गई है। उनके द्वारा जो बताया गया है, और वो ये बताया गया है कि यूनिवर्स बिगन फ्रॉम अ सिंगल प्रीमोडियल एटम। इनका कहना है कि ब्रह्मांड जो है वो एक प्रारंभिक तत्व से निर्मित हुआ है, जिसमें किसी प्रकार से विस्फोट हुआ, उसका घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, और हाई डेंसिटी के कारण, हाई डेंसिटी
प्रिमोर्डियल एटम के कारण इसमें ब्लास्ट होता है. दैट इज नॉट अ लिटिल ब्लास्ट, दैट इज अ बिग ब्लास्ट. दैट सो वाई इट इज कॉल्ड बिग बैंग. बहुत बड़ा विस्फोट है ये, और इतना बड़ा विस्फोट है कि इससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और उससे लगातार ऊर्जाएं जो हैं वो ब्रह्मांड में विसरित होती चली गई. सो दैट इज बिग बैंग थ्योरी. इसके बारे में हम लोग विस्तार से आज की क्लास जो 7 बजे होने वाली है, शाम को 7 बजे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे. इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इज स्टेडी स्टेट थ्योरी, साम्यावस्था. साम्यावस्था के सिद्धांत. स्टेडी स्टेट का मतलब ही होता है साम्यावस्था, ठीक है, समथिंग दैट इज नॉट चेंजिंग. तो ये साम्यावस्था के रूप में जानी जाती है. 1948 में ये थ्योरीज मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सर हार्मन बॉन्डी के द्वारा दिया गया था, लेकिन इस थ्योरी को बताने में सहयोग करने वाले दो और साइंटिस्ट भी हैं. दीज आर सर थॉमस गोल्ड एंड फ्रेड होयल. सो मिस्टर हार्मन बॉन्डी, सर थॉमस गोल्ड एंड फ्रेड होयल, ये लोगों ने एक सिद्धांत जो है वो दिया है, डेराइव किया है, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट थ्योरी. एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कि ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो यूनिवर्स है वो कह सकते हैं कि कम्प्लीटली होमोजीनियस है, साम्य है, एक जैसा है. आप जिस एंगल से भी, जहाँ से भी देखेंगे, हर तरह से, हर जगह से ब्रह्मांड आपको एक जैसा ही दिखाई देगा. कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम घना नहीं दिखाई देगा. इट मीन्स द डेंसिटी ऑफ द यूनिवर्स, इट मीन्स यूनिवर्स इज मेंटेनिंग अ कॉन्स्टेंट एवरेज डेंसिटी इट्सेल्फ. तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है. अगर हम थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन को देखते हैं, इफ द गैलेक्सीज आर गोइंग फार फ्रॉम ईच अदर, इट मीन्स जैसे जैसे ये गैलेक्सीज दूर जा रही हैं वैसे वैसे इसका डेंसिटी, जो घनत्व है, वो घटेगा. इन स्पाइट ऑफ दैट, स्टेडी स्टेट थ्योरी इज सेइंग दैट यूनिवर्स इज मेंटेनिंग द कॉन्स्टेंट एवरेज डेंसिटी. तो दीज टू आर एंटी थ्योरीज, एंड दीज टू ऑल्सो आर द एंटी थ्योरीज टू ईच अदर. तो इस तरीके से ये 5 प्रमुख सिद्धांत हैं जो हम लोगों ने पढ़े, जो कि किससे रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरीज रिलेटेड टू द यूनिवर्स. ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये 5 सिद्धांत पसंद आए होंगे. आपका क्विक रिवीजन यहाँ पर हुआ होगा. डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे साथ शाम को 7 बजे की जनरल स्टडी की क्लास में बने रहें. आप लोगों का स्वागत रहेगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.